बहुत समय पहले की बात है, एक गांव खुशालपुर में आदित्य राम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम नंदू था। आदित्य राम बहुत ही ज्ञानी आदमी था और वो अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। आदित्य राम रोज सुबह अपने गांव से नंदनपुर के जंगल में अपने गधे के साथ जाता था, वहां लकड़ियां काटता था और शाम को उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने घर आता था। एक दिन उसके गधे ने मन ही मन में सोचा कि ये भी कोई जिंदगी है, रोज सुबह जंगल जाओ और शाम को घर आओ। मैं कल जंगल से भाग जाऊंगा और मालिक के हाथ नहीं आऊंगा, उसके बाद मजे से जिंदगी बिताऊंगा। इतना सोचकर नंदू अगले दिन सुबह सुबह जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे क्या बात है नंदू, आज तुम मुझसे पहले ही तैयार हो गया। लगता है तुझे जंगल की घास बहुत अच्छे लगने लगी है। जरा रुक, मैं खाने की पोटली रख लेता हूं। नंदू मन ही मन सोचता है, आज मैं जंगल से भाग जाऊंगा और इस दुपहिया मतलब दो पैरों वाले के हाथ कभी नहीं आऊंगा। वहां मैं खूब हरी हरी घास खाया करूंगा और खूब मस्ती किया करूंगा। नंदू ये सब बातें मन ही मन में सोचते हुए आदि के साथ जंगल की ओर चल देता है। वे दोनों चलते चलते जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह, वो रहा सूखा पेड़, आज इसे ही काटता हूं, इसमें काफी अच्छी लकड़ियां हैं। शाम को इसकी लकड़ियां बेचकर लगता है मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। नंदू तू यहीं रुक, मैं ये पेड़ काटता हूं, तू शायद थक गया होगा तो थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि शाम को इस पेड़ की बहुत सारी लकड़ियां हमें गांव ले जानी। इतना कहकर आदि पेड़ से लकड़ियां काटने में व्यस्त हो जाता है और उधर नंदू सोचने लगता है, ये दुपहिया मतलब दो टांगों वाला तो लकड़ी काटने में व्यस्त हो चुका है, लगता है यही सही समय है, अब मैं भाग जाता हूँ। ये सोचकर नंदू जंगल की तरफ तेजी से भागने लगता है। आदि नंदू को इतना तेज भागता हुआ देखकर पहले तो डर जाता है कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, जिसके डर से नंदू इतनी तेज भागा चला जा रहा है। मगर आदि देखता है कि आसपास तो कोई भी जानवर नहीं है। आदि भी अपने गधे नंदू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे काफी तेजी से दौड़ने लग जाता। नंदू नंदू, अरे कहाँ भागा जा रहा है, मैं आ रहा हूं तुझे पकड़ने के लिए, तू मुझसे भाग नहीं सकता, रुक जा वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। अरे ये दुपहिया तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, लगता है मुझे और तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे पकड़ के ही छोड़ेगा। नंदू नंदू रुक जा नंदू, वरना वापस घर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। तभी नंदू को रास्ते में एक भालू मिल जाता है। अरे रुको भाई रुको, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम तो कर लो। भालू भाई, मेरे पीछे वो कमबख्त दुपहिया पड़ा है। भाई लेकिन ये दुपहिया कौन है, मैंने तो कभी कोई दुपहिया देखा नहीं, क्या वो मुझसे भी बड़ा है। भाई दुपहिया मतलब दो पैरों वाला, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है भाई। भाई मैं तो कहता हूँ तुम भी भाग चलो, अगर उसे तुम पसंद आ गए तो मेरे साथ वो तुम्हें भी पकड़ लेगा और पूरे दिन घर के काम कराएगा। इतने में पीछे से आदि की आवाज आती, नंदू आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे घर वापस ले जाकर ही दम लूंगा। भालू भी आदि की आवाज सुन करके डर जाता है और भालू और नंदू दोनों साथ में मिलकर दौड़ने लग जाते। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक घोड़ा मिलता है। अरे भाई भालू, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या,
और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आओ भाई, थोड़ा आराम कर लो। ना भाई ना, हमारे पीछे तो एक दुपहिया पड़ा है, वो बहुत खतरनाक है। ये नंदू कह रहा था कि वो रस्सी से बांध देता है और डंडे भी मारता है और घर के सारे काम करवाता है। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम भी हमारे साथ भाग चलो, वो दुपहिया पीछे आने ही वाला है। भालू से इतना सुनने के बाद घोड़ा भी डर जाता है और वो भी भालू और नंदू के साथ तेजी से भागने लग जाता है। आगे चलने पर उन सबको एक हाथी मिलता है। अरे भाई, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? क्या जंगल में कोई तूफान आया है क्या? ऐसा भी क्या हो गया जो सबके सब एक साथ भागे जा रहे हो? पास में नदी है भाई, थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो। नहीं भाई नहीं, हमारे पास समय नहीं है। हमारे पीछे एक दुपहिया पड़ा हुआ है और भालू कह रहा था कि वो बहुत खतरनाक है और वो रस्सी से बांध देता है और अपने घर के सारे काम करवाता है और तो और डंडे भी मारता है। क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी ऐसा कोई दुपहिया देखा नहीं है। क्या वो मुझसे भी बड़ा है और क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? भाई हाथी, है तो वो तुमसे छोटा मगर है बहुत खतरनाक। मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ भाग चलो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ उस दुपहिये को, आने दो उसे। मैं उसे अपनी सूंड से उठाकर धरती पे पटक पटक के मार दूंगा। इतने में आदि भी वहां पहुंच जाता है और अचानक अपने सामने इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर वो डर जाता है। हाथी जैसे ही आदि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, आदि तुरंत अपने डंडे को उसकी टांगों के बीच में फेंक के मारता है और हाथी उस डंडे में उलझकर गिर जाता है। जैसे ही हाथी गिरता है, आदि अपनी पोटली से मिर्च निकालकर हाथी की आंखों में फेंक देता है। मिर्चों के कारण हाथी की आंखें जलने लग जाती हैं और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सीधा नदी की तरफ अपना मुंह धोने के लिए भाग निकलता। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ, ये क्या डाल दिया इस दुपहिये ने मेरी आंखों में? हाय राम, मैं तो मर गया। हाथी जैसे तैसे नदी में पहुंच करके अपना मुंह धोता है, तब जाके उसे राहत मिलती है। मैंने कहा था ना हाथी भाई, दुपहिया बहुत खतरनाक है, अब हमें कौन बचाएगा? भाइयों, हम सबको जंगल के राजा शेर के पास चलना चाहिए, केवल वो ही इस दुपहिये से लड़ सकते हैं। चलो सब उनके पास चलें। इतना कहकर सभी जंगल के राजा शेर को ढूंढने लग जाते हैं और तभी वे देखते हैं कि शेर एक नदी के किनारे बैठा हुआ। अरे भाई, तुम सारे एक साथ कहां भागे जा रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई परेशानी तो नहीं है? भाई हम तो बहुत परेशान हैं, मगर तुम बताओ, बहुत समय से तुम इस जंगल में दिखाई नहीं दे रहे थे और पहले तो तुम काफी मोटे तकड़े होते थे, अब इतने कमजोर कैसे हो गए भाई? भाई हमारे पीछे तो एक दुपहिया पड़ा है और हम उसी से जान बचा के भागे जा रहे हैं। इतना कहकर हाथी सारी कहानी शेर को बता देता है। भाई क्या कहा तुमने, दुपहिया? अरे भाई मत पूछो, मुझे भी तो एक दुपहिया ही अपने जाल में बांध के अपने साथ ले गया था। भाइयों, वो बार बार मुझे एक स्टूल पे बिठा देता था, तभी मैं इतना कमजोर हो गया हूँ। भाइयों मत पूछो, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के भाग के आया हूँ। भाइयों, दुपहिया बहुत होशियार और खतरनाक होता है, मेरी बात मानो। ऐसा करो, इस नंदू गधे को इसके दुपहिये के पास वापस भेज दो, नहीं तो पूरे जंगल में आफत आ जाएगी। भाइयों, हम सबको अपनी जान बचानी भारी हो जाएगी। इतना कहकर शेर नंदू को
वापस आदि के पास भेज देता है और आदि अपने गधे को वापस पा करके बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर चल देते हैं।